क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको मालूम है साफ साफ क्या करना है, मोटिवेशन भी है अंदर से, जरूरत भी है, करना चाहते हैं, इच्छा भी है, लेकिन उसके बाद भी हो नहीं पा रहा है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो जानते सब हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको इस वीडियो में इसका कमाल का सोल्यूशन देने वाला हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा 7 ऐसे कारण जिनकी वजह से लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं। अगर आप ठीक से ये बात समझ गए और आपने इस वीडियो को ना एक्शन टेकिंग के मिनी कोर्स की तरह पूरी गहराई से देखा समझा, तो इन 7 में से कोई ना कोई एक चीज आप जरूर ढूंढ निकालेंगे जो आपको एक्शन लेने से रोक रही है, और जैसे ही आपको वो पता चल गई ना, आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे और जरूर एक्शन ले पाएंगे। आइए समझते हैं 7 वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं बोलता हूं एक्शन के सबसे बड़े दुश्मन। देखिए, पहला कारण क्यों लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं वो है, लोगों के पास में ड्रीम ही नहीं है, लोगों के पास में सपना ही नहीं है। बोलते बहुत कुछ हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सच बताऊं हार्ट इन हार्ट वो ना अपने एक कंफर्ट जोन में सेट हैं और उन्हें ऐसा लगता है जो मिल गया ना ये बहुत अच्छा है, इससे आगे जाने की इच्छा ही नहीं है। देखो, जिंदगी में अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं और अगर आपको कहीं जाना ही नहीं है तो फिर आप प्रयास क्यों करेंगे? प्रयास वो करता है जिसके पास ड्रीम होता है। तो बहुत बार आपको शायद ऐसा लग सकता है कि आपके पास ड्रीम है, लेकिन मेरे दोस्त वो ड्रीम नहीं है, आपके पास ना एक छोटी मोटी हल्की फुल्की एक विश है बस। वो ड्रीम अगर होगा ना तो फिर वो आपको बैठने नहीं देगा। अब्दुल कलाम आजाद साहब एक बड़ी कमाल की बात बोला करते थे, वो बोलते थे सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींदें उड़ा देते हैं। अगर आप मेरी बातचीत सुनने के बाद इस बात पे कंफ्यूज हो गए हैं कि आप जिसे ड्रीम मानते थे वो ड्रीम है, विश है, इंटेंशन है, तो फिर आपको एक छोटी सी सलाह देता हूं। मेरी किताब है सपनों से हकीकत 5 कदमों में, ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स। उसका लिंक नीचे दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप Amazon, Flipkart या किसी भी अच्छी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। उसको आप थोड़ा स्टडी करेंगे ना तो आपके ड्रीम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए सही ढंग से, उस पे एक पूरा चैप्टर है, 20-30 पेज हमने लिखे हैं, तो आप उसको पढ़ के देखिएगा। लेकिन पहला कारण जिसकी वजह से लोग करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे वो ये है कि उनके पास एक ठोस मजबूत ड्रीम नहीं है। दूसरा, लोगों के पास में लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। गौर से समझिएगा, शायद उनका ड्रीम पक्का है, लेना तो चाहता है वो वाली गाड़ी, वो वाला रैंक, वो वाली इनकम, वो वाला घर, ये वो सारी बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉरेन ट्रिप, पेरेंट्स को ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, एवरीथिंग इज क्लियर, बट उसके पास में एक गोल नहीं है, स्केड्यूल नहीं है, काम करने का प्लान नहीं है। यू नो, अगर आपके पास एक बड़ा ड्रीम है लेकिन आपके पास उसको संभालने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और आपके पास में डेली प्लान नहीं है ना, डेली वर्किंग का सिस्टम नहीं है, देन आल्सो यू विल नॉट बी एबल टू टेक एक्शन। तो अगर आप उनमें से हैं जिनके ड्रीम्स क्लियर हैं तो फिर शायद आप इस दूसरी चीज पे प्रयास करिए। तीसरी चीज सबसे खतरनाक है, ड्रीम्स हैं, गोल्स भी हैं, क्लैरिटी भी है, क्या करूंगा सब मालूम होता है, लेकिन अंदर में ना एक संदेह आ जाता है, डाउट आ जाता है। ये जो डाउट है ना ये सबसे खतरनाक है। ऐसा बोलते हैं कि डाउट हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनी अदर फैक्टर ऑन अर्थ। संदेह की वजह से, डाउट की वजह से जीवन में लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, मेरे पास एक फरारी गाड़ी है, लाल रंग की खूबसूरत फरारी गाड़ी, ऐसा बोलते हैं वो 0 to 100 जा सकती है 4 सेकंड में, और मैं US जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग की कुछ वर्कशॉप्स हैं, हमारे कुछ बड़े इवेंट्स करने के लिए मैं US गया, और मेरा एक दोस्त है जो हमेशा से फरारी गाड़ी चलाना चाहता है, ये उसकी ड्रीम कार है, तो मुझे लगा 2 हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, क्यों ना 2 हफ्ते के लिए गाड़ी उसको दे देता हूँ, वो एंजॉय करेगा। तो मैंने मेरे दोस्त को फोन किया और मैंने उसको बोला, देख भाई 2 हफ्ते के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी गाड़ियों की कलेक्शन में सबसे शानदार कार ये रेड कलर की फरारी जो तू हमेशा से चलाना चाहता था, अब अगले 2 हफ्ते तू उस गाड़ी को एंजॉय कर सकता। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, इसकी ब्रेक कभी लगती है कभी नहीं लगती है, तो वो आदमी वो गाड़ी चलाएगा या नहीं चलाएगा? मैंने जब जब भी किसी से भी ये बात कही है ना, उन्होंने बोला सर कि मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा, दुनिया की सबसे तेज कार आपके लिए बेकार है अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट है। तो फिर जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, अगर थोड़ा सा भी डाउट आया ना तो फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तीसरी चीज का सोल्यूशन निकालिए, यू नीड टू किल ऑल डाउट्स बिफोर यू कैन मूव फॉरवर्ड। आज ये जो वीडियो है ना ये आपके लिए एक्शन का एक छोटा मिनी कोर्स जैसा, फ्री कोर्स जैसा हो सकता है। 7 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से आज तक आप अटके हुए हैं, 3 मैं बता चुका हूं। नंबर 1,
आपके पास कोई ड्रीम नहीं है। नंबर दो, आपके पास में डेली वर्किंग की क्लियर प्लानिंग नहीं है। नंबर तीन, आपके पास में डाउट है। चार और बताने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आप सच में सपने पूरे करना चाहते हैं और आपने मेरी किताब सपनों से हकीकत 5 कदमों में अब तक नहीं पढ़ी है, तो फिर आपको अभी के अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर Amazon से उस किताब को खरीद लेना चाहिए। मैं आपको दावा कर सकता हूं, आपका कोई भी ड्रीम होगा ना, उस किताब में जो मॉडल्स, सिस्टम्स और फॉर्मेट्स हमने दिए हैं, उनका पालन करके आप हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन अभी बहरहाल इस वीडियो में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज जो लोगों को रोक देती है वो है ओवरथिंकिंग, सोचते रहना, ऐसा हो गया तो, अगर उसने ये नहीं किया तो, अगर मैं वहां फेल हो गया तो, अगर वहां से ना मिल गई तो, अगर मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया तो। ये जो अगर मगर और ओवरथिंकिंग है ना, इसने लोगों को बहुत खराब किया है। और ये जो ओवरथिंकिंग है ना, इसने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो यू नीड टू किल ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग खत्म करनी है, उसका सलूशन भी बता देता हूं। आप दो बातें याद रखना बस। पहली, 80% इज गुड इनफ। मतलब अगर 80% तक आपको लगता है ना बात बन जाएगी और आपको लगता है मैं 80% तैयार हूं, तो फिर आपको एक्शन ले लेना चाहिए। और दूसरा, ये मैं हमेशा सिखाता हूं मेरे सारी लाइव ट्रेनिंग्स में और बहुत बार हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में भी, स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर। शुरू करो, बाद में सुधार कर लेना। आज शुरू करो, अभी शुरू करो, जितना है जितना जानते हो शुरू कर दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो स्टार्ट नाउ इंप्रूव लेटर, इसके माध्यम से आप अपनी ओवरथिंकिंग को कम कर सकते हैं। पांचवी चीज जो लोगों को रोक देती है वो है लेजीनेस। लेजीनेस मतलब आलस्य। कल करूंगा, परसों करूंगा, ये करते रहते हैं बस। आलस की वजह से लोग रुक जाते हैं। आलस को भी खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, उस पे मेरे YouTube चैनल पे आपको कम से कम 3 से 5 वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर सर्च करिएगा हाउ टू किल लेजीनेस एंड यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोस। बट लेजीनेस इज वन बिग रीजन व्हाई पीपल डोंट टेक एक्शन। छठा, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बहुत खतरनाक है। लोगों को लगता है वो बिजी बहुत हैं और खूब काम कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए उसके अलावा वो सब करते हैं। मैंने मेरी लाइफ में 11 साल डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किया है, 4 साल मैंने सेल्स किया है, पिछले 6 सालों से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। आई हैव मेट लैक्स ऑफ पीपल हु आर इनटू एफिलिएट मार्केटिंग, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एवरीवेयर। सेल्स के प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को अप्रोच करना और मीटिंग्स बुक करना, ये सफलता की चाबी है। बट आई हैव पर्सनली सीन lacks of people जो इसके अलावा बाकी सब करते हैं। इसको बोलते हैं टालमटोल। जो करना चाहिए, जब करना चाहिए, उसको छोड़कर बाकी सब करना। तो ये छठी चीज ऑल्सो ये लोगों को असली काम करने से रोक देती है। और सातवां और आखिरी वो है लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर, दिस फियर कि लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। देखो मेरे दोस्त, आप एक बात समझ लो, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी ना करें, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अब आपको ये चुनना है, आप कुछ करके कहलवाना चाहते हैं या फिर आप बिना कुछ किए कहलवाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना और लोग कहते रहेंगे, राइट? पहले मुझे लगता था आप कुछ मत करिए, लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे ना तो भी लोग तो कहेंगे। तो ये सातवीं चीज, इसको आप हमेशा के लिए जिंदगी से हटा दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। तो 7 चीजें जो मैंने आपको बताई जो एक्शन के सबसे बड़े दुश्मन है, जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। नंबर 1, आपके पास में ड्रीम नहीं है। नंबर 2, आपके पास रोज काम करने के लिए डेली वर्क प्लान नहीं है। नंबर 3, आपके पास डाउट्स होते हैं। नंबर 4, ओवरथिंकिंग। नंबर 5, लेजीनेस, आलस्य। नंबर 6, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल। और नंबर 7 है, आपको लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर सताता रहता है। तो मुझे नहीं मालूम आपको कौन सी चीज रोक रही है, कमेंट में मुझे बताइए कौन सी वो चीज थी जो आज तक आपको रोक रही थी, आज के बाद आप उसे ठीक करेंगे, सॉल्व करेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको और डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो फिर मेरी ये किताब सपनों से हकीकत 5 कदमों में, ये एक ऐसा ग्रंथ जैसा है जो आपको A to Z उंगली पकड़ के आपके हर सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता बताती है। हिंदी में उपलब्ध है, इंग्लिश में उपलब्ध है, Amazon और Flipkart पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे भी लिंक दिए गए हैं। और सेल्स कैटेगरी में Amazon पे ये नंबर 1 बुक, मार्केटिंग की नंबर 1 बुक है, बिजनेस डेवलपमेंट में, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की ये नंबर 1 बुक है। तो आपको, आपकी पूरी टीम को इस किताब को जरूर पढ़ लेना चाहिए। और ऐसा कमाल का ऑपरेशन मैनुअल है ये, जो आपको A to Z नट्स एंड बोल्ट सब के सब देता है। इससे आप किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इस किताब को आप जरूर पढ़िए और मेरी ये दिली इच्छा है कि आप एक्शन लें और अपने सपनों के लिए कमाल का काम करें। और अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचे नहीं, आप अपने सपनों को एक्चुअल में, वास्तविकता में जीने चाहिए। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल एंड रिमेंबर दिस माय फ्रेंड्स, आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।